हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल प्रियंका फैमिली व्लॉग्स। ये मॉर्निंग का टाइम है और जस्ट रेडी हो रही हूँ, नॉर्मल रेडी हो रही हूँ। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैं अपना रूटीन दिखा रही हूँ, नाइट रूटीन। बट मैंने ये सुबह से स्टार्ट किया है, और अगर एंड में व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो। सो दिस इज़ माई फेवरेट बिंदी मैं जो लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हमेशा की तरह रेडी हो गई हूँ, और भी थोड़ा पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद फिर मेरा शुरू हो जाता है किचन का आइटम। सो यहाँ मैं फ़र्स्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसे दिखाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। सो मुझे रूटीन दिखाना था, तो यहाँ पे लंच बन रहा है अभी। और अगर आप बोलोगे कभी कि मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ, उसका एक सेपरेट व्लॉग बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और अभी वैसे तो आपको पता ही कि मैं बहुत ही रूटीन में नहीं थी पूजा के मामले में, पूजा पाठ के मामले में, लेकिन डेली करती थी, बट एनी टाइम करती थी। तो अभी मैंने रूटीन बना लिया है, ऑलमोस्ट मुझे 2 महीने हो गए, बट मैंने बताया नहीं व्लॉग में। कुछ चीज़ें ऐसी सोची हैं जो मुझे करनी है, और चलिए ये बात इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर चाहते हो तो अलग से सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी मैं, और जो भी करती हूँ मैं पूजा में वो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। सो देखिए, रोटी बन गई है। यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ ग्वार एंड आलू की सब्ज़ी। कभी आपने ग्वार के साथ आलू की सब्ज़ी मिक्स करके बनाई है तो ज़रूर बनाना यार, बड़ी टेस्टी बनी थी। मैंने ग्वार फली को कट करके, आलू कट करके बॉयल कर लिया था। सिंपल सरसों के तेल में प्याज लहसुन अदरक प्याज लहसुन और राई डाल के, हींग डाल के टमाटर डाल दिया है। आप टमाटर को अच्छे से इसी ऑयल में फ्राई कर लेना है, ऊपर से नमक डाल दीजिए जिससे टमाटो है ना अच्छे से गल जाए और अच्छे से ऑयल में, उसके बाद ही सारे मसाले ऐड करें आप। ऑलरेडी सब्ज़ी बॉयल्ड है, आप देख सकते हैं, उसी में जब आप ग्वार बॉयल करते हैं ना, तभी उसी में आलू भी छील के डाल देना है कट करके, तो दिक्कत नहीं होगी बाद में फ्राई करने में सब्ज़ी में। तो ये देखिए, वही हल्दी धनिया मिर्चा डाल दी, और इसमें सबसे मेन जो है वो दही का पार्ट है, दही डाला मैंने अच्छे से, और इसको मिक्स कर दिया। जब तक इसमें ऑयल नहीं निकल के आता है तब तक अच्छे से भूनते रहना है इस मसाले को। खैर, ये सब्ज़ी ग्वार की जो है ना, मेरे हस्बैंड के साइड पे इतनी मगजमारी करके नहीं बनाई जाती है, सिंपल ऐसी राई जीरा में छोंक दी जाती है, बट मैं होटल स्टाइल की बना रही हूँ और इतनी टेस्टी लगी थी, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने भी गर्म मसाला डाला है इसमें, आप उसका भी पेस्ट डाल सकते हो बना के। और ज़्यादा थिक ग्रेवी चाहिए तो मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली का भी पेस्ट डाल सकते हो बना के मिक्सर में पीस के, पर मैंने उतना नहीं डाला, बट इतने में काफ़ी अच्छी बन गई थी ये। और बस इसको ऐसे अच्छे से फ्राई करके मैंने पानी डाला है, ऐसे इसमें दिखाया नहीं है, बट काफ़ी अच्छे से फ्राई किया, उसके बाद पानी डाला है ग्रेवी के लिए। ओके गाइस, सो हमारा हो गया लंच, लंच हुआ है 3:05, अभी बस आराम हो रहा है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर। जी को मस्ती नहीं करना, अच्छा लग रहा है ये, इसको वहां से बांध देते ही लग रहा, तुझे करना है, चलो मौसी को उतारो नीचे, आया पे आओ, ऊपर नहीं चढ़ाना इसको, उतारो इसको। मेरा पेड़ मत तोड़ो, पेड़ मेरी जान है, हो गया। अरे टूट जाएगा वो। बस 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 बेटा, चल डांस करके दिखा। हाँ ठीक है, बस एक ही डांस करता है ये। ओहो ओहो ओ, 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 ओ। लो, ये तो नोरा फतेही का डांस है, ये तो, ये तो नोरा फतेही का डांस है। दीगु करती है, दीगु करो, फिर से करो, फिर से करो बेटा, करो ना, अभी करेगा करेगा, फिर से करो पहले की तरह। हाँ चलो, ये एक ही स्टेप करता है बस, ये देखो, ये देखो नया डांस। बस वेरी गुड, यस यू डिड इट, मौसी को करने के लिए बोले,
मौजी के सर पे तलवार लटकी हुई है, वो नहीं कर सकती। अभी तुम्हारा टर्न है डांस करने का, तभी मैं बोली हूँ मौसी के सर पर तलवार लटकी हुई। मौसी बिल्कुल भी नहीं। और मामा, अरे मामा कर लेगी, मामा तो ओके गाइस। सो ये बैक टू हम इवनिंग रूटीन पे आ गए हैं, मतलब इवनिंग टाइम पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा पूरा बर्तन कर रहे हैं, हम लोग रात के 9 बजा हुआ है। और रीज़न क्या है कि एक्चुअली मैं कल घर में पूजा है, तो उसके लिए साफ़ सफाई करना ज़रूरी है घर की। अब आंटी आती तो ज़रूर हैं बट वो छुट्टी पे हैं, तो फिर कल उठ के ये सारी चीज़ें करना फिर पूजा पाठ में लेट हो जाता है। तो हमने सोचा कि डिनर हमारा हो गया था, तो बस जैसे ही डिनर हुआ काम पे लग गए। ये काजल है, आप लोग सभी जानते हैं, और जो कि बर्तन साफ़ कर रही है, मैं पोछा लगा रही हूँ। बिकॉज़ मैंने कहा लाओ मैं बर्तन कर लेती हूँ, वो पोछा कर लेगी, लेकिन वो उसने बोला कि आप पोछा कर लो, मैं बर्तन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इससे मॉप से लगा रही हूँ, इससे फटाफट लग जाता है। तो इसमें मैंने अभी वो डाला है, पतंजलि का क्या बोलते हैं उसको, फिनाइल डाला है, और काफ़ी अच्छा है वो। इवन गौमूत्र वाला भी आता है पतंजलि का, आप चाहते हो तो ज़रूर ले सकते हो वहाँ से, वो भी बहुत अच्छा आता है। इवन दोनों नहीं लेने हैं तो जस्ट नमक डाल के भी आप पोछा लगा सकते हो। कहते हैं ना नमक डाल के पोछा लगाने से अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी रहती है घर में। एंड तो यहाँ पे मैं आराम से अच्छे से पोछा लगा रही हूँ अब जो भी है। लेकिन बड़ी डिनर के बाद ये सब किया ना तो बड़ा हालत ख़राब हो गया, बिकॉज़ 9 बज गया था। फिर मैंने कहा 9 से 10 के बीच में कर लेंगे आराम से 1 घंटे में, उसके बाद फिर यार 10-10:30 बजे तो सोना बनता है। फिर मॉर्निंग में वही पूजा पाठ है, पंडित जी आ रहे हैं, तो फिर से मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पोछा पाछी हो जाएगी। रात में पूरा क्लीन करके सोए हैं, पूरा किचन गैस वैस वगैरह सब कुछ साफ़ किया है, क्योंकि मॉर्निंग में जस्ट क्या हो जाएगा, फिर नहाना धोना रह जाएगा। मतलब नहाना है, अगस्त्य को नहलाना है, और हम तीनों का फिर क्या कहते गैस साफ़ रहेगी तो भोग वगैरह भी बन जाएगा, इसीलिए रात में ही निपटा लो। इवन फिर क्या होता है कि वैसे तो आंटी जो काम करती हैं वो आती हैं अगर, तो फिर उनको तो मैं बुलाती ही 8, 8:30, 9 बजे, 8:30 पे तो नहीं आ पाती, 9 बजे बुला लेती, ताकि घर के जब तक काम नहीं हो होते हैं ना साफ़ सफाई, तब तक कोई भी चीज़ करने का मन नहीं होता है। जैसे घर साफ़ हो ना फिर सारे काम फटाफट हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं रहता है। तो वही यहाँ पे मैं कोने कोने में पोछा लगा रही हूँ। आप भी बताना कि आप कमेंट जरूर करना, जब ऐसा कुछ पूजा पाठ होता है ना तो सबसे पहले टेंशन किस चीज़ की होती है, सफाई की और बर्तन की। खाने पीने की इतना टेंशन नहीं होता है, सफाई और बर्तन हो जाए ना, गैस वगैरह साफ़ हो जाए, किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ हो जाए, तो सारे काम हो गए। फिर क्या है, नहाना धोना और तैयार होना बढ़िया तरीके से, और फिर भगवान के लिए भोग लगाना। तो इसमें बड़ा अच्छा लगता है ये सब करना मुझे। आपको पता ही है पहले से ही, शुरू से मुझे फेस्टिवल मनाना बहुत पसंद है, और जब से अगस्त्य का ये सब हुआ है तो मेरा थोड़ा सा, वैसे तो मैं गणपति जी को शुरू से बचपन से मानती हूँ, लेकिन पहले ये था कि शादी से पहले यूज़ टू ऐसी केयरलेसली पूजा करती थी, ऐसा कुछ नहीं है रूटीन में। लेकिन उसके बाद शादी के बाद भी पूजा करने का मौका नहीं मिलता था, बहुत ही हार्डली मिलता था। लेकिन जब से ये अगस्त्य का हुआ है, और फिर उसका मैं अभी थेरेपी वगैरह भी करा रही है, सब कुछ हो रहा है उसका। लेकिन कहते हैं ना अर्जी तो उधर भी लगानी पड़ेगी भगवान से, तो तब से मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से पता नहीं कैसे हो गया, आई डोंट नो, अपने आप ही हुआ है। मैं करने को पहले मैं बोलती थी यार मेरे से नहीं हो पाता कि सुबह उठ के मैं नहाऊँ धोऊँ और पूजा करूँ, मैं अपनी मर्जी से करती थी। मतलब मैं कभी 12 बजे भी करती थी, 1 बजे भी करती थी, आप बिलीव नहीं करोगे। अब मुझे, मैं सुबह उठती हूँ ना तो बनाती तो मैं नाश्ता हूँ, अभी ऑलमोस्ट ये मैं 2 महीने से बता रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, आज तक मैंने शेयर नहीं किया, कि बस लगता है कि नाश्ता बना के अगस्त्य को खिला दूँ। मन में बस ये चलता है मेरे कि मैं नहा लूँ और पूजा कर लूँ तब मैं खाऊँ, मैं यही कर रही हूँ लास्ट काफ़ी दिन से। और कभी कभार लेट हो जाता है तो चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर
नहा के तुरंत मैं पूजा करती हूँ, लेकिन अभी मैं मोस्टली यही करती हूँ। कोशिश रहती है कि फटाफट बस अगस्त्या खा ले, तो होता है ना बच्चा का पेट भर जाए तो फिर पूजा पाठ में भी दिल लगता है। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि मैं घंटों करती हूँ, हार्डली मैं 15 मिनट करती हूँ, लेकिन बड़े दिल से बड़ी शांति से करती हूँ, है ना। और ये चीज़ जो मेरे अंदर आई है ना, ये अपने आप ही आई है ना, मैंने किसी के कहने से या किसी को देख के नहीं आई। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, मेरा कभी मन ही नहीं गया वो करने का, बट एकदम से मेरे मन में आया ये चीज़ और मैं अपने आप करने लगी। वरना पहले मेरा ऐसा था कि उठते ही मुझे चाय चाहिए, मैं इधर बैठती थी उधर बैठती थी, कहते हैं ना झोली झोली बैठी रहती थी, मेरी फुर्ती नहीं आती थी जब तक चाय ना मिले। तो ये सारी चीज़ें ऐसी शेयर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे काजल क्या कहते बर्तन धो रही है और अभी अपने आप हो जाता है, अभी कोई सर वर दर्द नहीं होता मेरा, कुछ भी नहीं होता। अभी सिर्फ दिमाग में यही रहता है कि नाश्ता अगस्त्या को कराना है, नहाना है, पूजा करना है, उसके बाद कुछ करना है। सो ये थी कहानी अभी तक की। अभी मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, बताना कैसा लगा। कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।